हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता शर्मा, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। एक स्टिच पैटर्न बनाएंगे, नॉट बना लेंगे और 20 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 चेन बना लेंगे। एक 1, 2, 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। फोर्थ स्टिच में, फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। ये 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन यहाँ से स्किप करेंगे। नेक्स्ट में 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन स्किप करेंगे। नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया करेंगे फिर से। एक चेन स्किप और ये 3 डबल क्रोशिया। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक लाइन हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। इसको पीछे पलट देंगे, सेम पैटर्न बनाएंगे इसी के ऊपर। 1, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर ये 1 चेन और इन्हीं के ऊपर 3 के, ये जो 1, 2, 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इसी पे फिर से हम 3 टाइम डबल क्रोशिया कर देंगे। वन चेन और इसी के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। ये बाकी के भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें अब हम ये सेकंड कलर ऐड करेंगे, रेड कलर। सिंगल क्रोशिया करेंगे फर्स्ट स्टिच में। और इसको अब हम ऐसे डबल क्रोशिया करेंगे, इसमें इस वाले स्टिच में ऐसे नीचे से ऐसे निकालेंगे, लेंगे ऐसे, इसको रेड को ऐसे लेंगे, ये इसको ऐसे ऐसे, ये फिर ये हमारे जो एक हमने सिंगल क्रोशिया लिया था, अब ये सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसमें करेंगे तीसरे में, और ये जो हमने एक चेन बनाई थी इसमें भी करेंगे
सिंगल क्रोशिया, और ये फर्स्ट, इसमें ये एक दो तीन डबल क्रोशिया किए थे तो इसके पहले फर्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे। ये फिर ऐसे डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ से इसमें से नीचे ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे इसको ऐसे इसको ऐसे ऐसे, फिर यहाँ जो दो बचे थे इधर दो डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे ये इसमें किया, यहाँ इसमें डबल क्रोशिया, इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया इधर दो, एक ये जो चेन बनाई थी यहाँ ये तीन तीन डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, तीन बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक डब सिंगल क्रोशिया इसमें ऐसे, फिर इसको फिर से इसमें से ऐसे निकालेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे 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 सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक बार दो तीन तीन चार, ये चार सिंगल क्रोशिया हो गए। ये देखिए फिर से ऐसे डबल क्रोशिया की तरह करेंगे और यहाँ से निकालेंगे ऐसे, ऐसे निकाल लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे ये इसमें से या ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे, दो तीन और एक बार यहाँ से चार बार, फिर से इसको यहाँ से ऐसे निकालेंगे, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर से यहाँ से सिंगल क्रोशिया, एक दो इस चेन में से चार, और इसमें अब इससे आगे तो कुछ है नहीं तो ये तीनों स्टिच पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए एक चेन बनाएंगे और पूरी लाइन में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, पूरी लाइन में रेड कलर से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे ऐसे। इस लाइन को हम पूरा सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। ये देखिए लाइन दो दो लाइनें बन के तैयार हो गई हैं इसकी। अब फिर ग्रीन लाइन से इससे बनाएंगे, यही सेम टू सेम, तीन डबल क्रोशिया एक चेन, तीन डबल क्रोशिया एक चेन, तीन चेन बना लेंगे, वन टू थ्री, तीन डबल क्रोशिया एक चेन एक स्किप, और फिर तीन डबल क्रोशिया, ये वन टू थ्री, एक चेन स्किप, थ्री डबल क्रोशिया,
एक चेन स्किप, नेक्स्ट में थ्री डबल क्रोशिया, इसकी भी हम दो दो लाइनें बनाएंगे सेम टू सेम। इसकी एक लाइन एक और बनाएंगे इसके ऊपर ग्रीन की, ये दो लाइनें ग्रीन की तैयार हो गई हैं। इसमें भी हमने जैसे रेड कलर लगाया है तो इसके में कोई और कलर भी हम यूज कर सकते हैं, किसी और कलर का भी यूज कर सकते हैं। कितने भी कलर हम इसमें जैसे लगा सकते हैं, बची हुई ऊन है उसका भी यूज हो जाएगा इसमें। तो सेम जैसे हमने नीचे पहले बनाया था उसी पैटर्न से बना लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ करेंगे इसमें, इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसमें से ऐसे निकालेंगे इसे भी, ऐसे 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 सिंपल डबल क्रोशिया करना यहाँ पे। फिर ये वन टू, और ये जो चेन बनाई थी इसमें थ्री, एक फिर फर्स्ट में इसमें फोर, फोर सिंगल क्रोशिया, ये फोर टाइम सिंगल क्रोशिया। फिर ये ऐसे ही डबल क्रोशिया की तरह लेंगे, इसमें से लेंगे, इसको ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे सेम। फिर ये जो यहाँ पे हमारा सिंगल क्रोशिया करेंगे, वन टू चेन में करेंगे थ्री, और इसमें फर्स्ट में ये ऐसे। ऐसे ही उसके बाद फिर ये वन लाइन सिंगल क्रोशिया की ये इस कलर की निकाल लेंगे, फिर दो फिर ऐसे ये इसकी ग्रीन की सेम। तो ये हमारा स्टिच पैटर्न तैयार हो जाएगा। ये लाइन कंप्लीट हो गई है, एक लाइन इसकी फिर सिंगल क्रोशिया की कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया की लाइन करके और फिर ये एक दो दो लाइन है ग्रीन की, फिर उस पर इस कोई नेक्स्ट कलर लगाना है तो नेक्स्ट कलर लगा सकते हैं, कोई भी कलर। एक एक लाइन नेक्स्ट किसी भी कलर को यूज कर सकते हैं, मल्टी कलर में बना सकते हैं। तो ये पैटर्न आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।